अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैच अप क्रिकेट के साथ तौसीफ। डॉक्टर साहब और मंशा भाई हमारे साथ मौजूद हैं आज। मंशा भाई माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं, काफी अरसे बाद आए। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे, आमिर जमाल का इंसिडेंस हुआ डॉक्टर साहब, उनके ओवर में अंपायर ने जो है वो इशारा किया 5 पेनल्टी रन्स का। सीरीज तो पाकिस्तान के कहते हैं 4-2 से हार ही गया वनडे सीरीज, लेकिन ये जो बॉल टेम्परिंग वाला काफी अरसे से पाकिस्तान के साथ टैग लगा हुआ है, तो ये शायद दोबारा आ गया। तो उसमें ये नहीं बताया गया कि किसको हु वाज द कल्प्रिट। तो एज अ होल टीम को 5 पेनल्टी रन्स मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट उनको जिम्बाब्वे को मिले। तो आपसे डॉक्टर साहब पहला ये सवाल है कि बॉल भी चेंज नहीं हुआ, तो अगर बॉल चेंज नहीं हुआ तो फिर टेम्परिंग क्या हुआ? देखिए, इसमें बात है इंटेंशन की। असर कि अगर वैसे लॉ बताने से पहले एक बात बता दूं कि जब आप बॉलर्स जो हैं वो बॉल करते हैं या थ्रो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो वो सीधे फील्डर के हाथ में फुल टॉस करते हैं। अब बॉल नीचे नहीं मार सकते, ये टेम्परिंग में आता है। अगर अंपायर ये फील करता है, एक आध दफा तो अगर लग भी जाए या मार भी दे तो अंपायर लाइटली कह देता है उसको कैसा ना खींचे, लेकिन अगर उसको लगे कि ये रिपीटेडली भी हो रहा है और इंटेंशनल भी हो रहा है, तो फिर अगेन इंटेंशन चेक करने का जो हथियार है हमारे पास वो एक ही है, उसका नाम है अंपायर। तो अगर अंपायर ने ये फील कर लिया कि ये है तो फिर ये है, उसमें आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते। मैं लॉ वैसे पढ़ देता हूँ अगर है एग्जैक्टली, ताकि उन्हीं अल्फाज में बात चली जाए। ये लॉ 41.3 है जी, डील्स विथ चेंजिंग द कंडीशन ऑफ द मैच बॉल। क्लॉज है इसकी 41.3.4.2 स्टेट्स, Regardless of whether a replacement ball has been chosen to be used, the bowlers and umpire shall award 5 penalty runs to the opposing side. So, इसको अगर और भी दूसरी तरह से ले लें कि अंपायर इज द सोल जज, तो ये अंपायर ने ही डिसीजन करना है कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। अगर उसने समझ लिया कि हो गया तो फिर हो गया। ठीक है डॉक्टर साहब। मंशा भाई आपसे सवाल ये है कि वीडियो तो आपने देखी होगी रिएक्शन की, तो आप पहले आमिर जमाल के रिएक्शन पे बताएंगे, रिएक्शन के बारे में आपकी क्या राय? मेरा लग कुछ वीडियोस जो मैंने देखी हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी भी ऐसी क्रिकेट खेलनी है बच्चों वाली, इस तरह मंशा की भाई थोड़ी गली सी आवाज वाली। आपकी कम आ रही है, थोड़ा लाउड मैं कीजिए। कह रहा हूँ अभी भी वो लोग, वो मैं देख रहा हूँ, तो वो ऐसे ही कह रहे हैं कि बच्चों वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, ये गली वाली क्रिकेट खेल रहे हो यार, क्या छोड़े। आई डोंट नो, वो शायद सीनियर फील कर रहे हैं उस टीम में जाके, या शायद उनको आगे का कुछ टिकट नजर आ रहा है कि उनको टिकट मिल गया ये टीम का, मेन टीम का। आई डोंट नो, कुछ तो है, क्योंकि मतलब पहले भी मैंने उनके वनडेज देखे हैं, लेकिन कुछ ऐसा वर्बल रिएक्शन नहीं उनका देखा। अच्छा नहीं डॉक्टर सर, उन्होंने मंशा भाई जो दूसरा रिएक्शन है जो अंपायर को दिखाया, तो अभी जरा कि अंपायर की आवाज से बात करें, तो अंपायर को उन्होंने कहा कि यार अब इनकी हम सारी बातें मानेंगे ये वो मैं सुना है, और भी मैं देख रहा हूँ कुछ आउट कर रहे हैं और कुछ विक्ट्री का निशान बना के पॉकेट में डाल रहे हैं, और कुछ काफी वीडियोस उनकी चल रही हैं। तो वो तो इसको थर्ड अंपायर कैसे देख रहे हो, दूसरी बात है। दूसरी बात है कि अगर आप ये समझते हैं कि आपके खिलाफ गलत हुआ है, तो आप इंतजाम की तरह टीम बाहर ले जा सकते हैं, और उसके बाद फिर मैच के पास है कि आप वापस आते नहीं आते, आप समझते हैं आपके मुल्क के साथ गलत हुआ है और एक गलत इल्जाम लग रहा है, तो बाहर जा सकते हैं, और मैच भी बाद में फिर 45 हो सकता है। ये आप कहाँ तक आप अपने आप को सही समझ रहे हैं अच्छा डॉक्टर जी। साहब क्या, सॉरी सॉरी आप कंप्लीट करें बात और मिसाल। दूसरी बात ये है कि वो जहां तक उनके पर्सनल रिएक्शन की बात है, मेरा ख्याल वो इतना मैटर नहीं करता, वो कुछ और भी एक्शन ले सकते थे जिससे साबित करते कि वो नहीं है, ये उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोल दिया। मेरा ख्याल इतना मैटर नहीं करता, अगर एम्पायर ने कोई डिसीजन लेना है थर्ड एम्पायर ने तो वो लेगा जी। अच्छा डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली थोड़ी बहुत कोचिंग करता हूँ, तो हमारा ये होता है कि जो थ्रो करनी है ना आपने बाउंड्री से, ठीक है, अगर आप हवा में करते हैं तो इट टेक्स लॉन्गर, अगर आप फ्लैट करते हैं तो इट गेट्स देयर क्विकर, राइट? तो नेचुरली स्पीकिंग कि जब आप फ्लैट थ्रो करेंगे तो वो जल्दी जाएगी, लेकिन दैट मीन्स कि आपने टिपा देना है ना बॉल का। तो जब आपने बात की, तो ये सर्कल के अंदर सिर्फ अलाउड नहीं है, अगर बाहर से भी कर रहे हैं तो नहीं, क्योंकि नेचुरली स्पीकिंग अगर आपने गेंद जल्दी पहुंचाना है तो यू हैव टू बाउंस इट। जो हमारा जो कोचिंग वाइज हम बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं वन बाउंस करेंगे तो गेंद जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि ट्रेजेक्टरी लो होगी और द बॉल गेट्स देयर क्विकर। तो अब अगर उन्होंने वन बाउंस, मुझे शक है कि शायद क्योंकि उन्होंने थ्रो किसी ने की विकेट के पास से गुजरी ना, और अंपायर ने साथ ही 5 पेनल्टी रन्स, मुझे शक है कि शायद इस वजह से दिया हो। तो आप इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे कि यार बिल्कुल ही थ्रो नहीं कर सकते एक टिप्पे वाली, क्योंकि एक टिप्पे वाली थ्रो रन आउट करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें कोई ऐसी कदवन नहीं है कि आप थ्रो नहीं कर सकते, बाउंड्री पे करेंगे तो ऑफ कोर्स
लाइक आप इस बात का ख्याल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कोई भी फील्डर या कैप्टन ये नहीं चाहेगा कि मुझे बाल बचाना पहले है, इसकी टेम्परिंग को बचाना पहले है और फिर मैं बाद में रन आउट करना है। नो, वो जो हीट ऑफ द मोमेंट, जो भी गेम का सीक्वेंस है वो उसी तरह ही चलेगा। वो एक टप्पा दे, दो टप्पे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थ्रो गलत भी हो सकती है, उससे चार टप्पे भी पड़ सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात है सारी इंटेंशन। जब आप फील्डर थ्रो कर रहा है, बाउंड्री से कर रहा है, तो वो यकीनन फ्लैट भी करेगा और अमूमन कीपर के पास पहुंचने से पहले एक टिप्पा लेती है बॉल। दो भी हो सकते हैं, अगर अच्छी थ्रो ना हुई तो। इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है जो हम बात कर रहे हैं। वो ये है कि जैसे मिड ऑन मिड ऑफ के फील्डर होते हैं, आमतौर पर जब बॉल कीपर के पास जाती है, डेड होती है, तो वो आमतौर पर सर्कल में होती हुई पॉइंट से फिर जी बिल्कुल होती बॉलर तक पहुंचती है। तो जब जैसे मिड ऑन या मिड ऑफ का फील्डर है, तो वो बॉलर को देने से पहले, ऑफ कोर्स वो काफी करीब होते हैं, क्रिकेट देखने वाले समझते हैं इस बात को, तो आराम से उसको हाथ में दे सकते हैं। लेकिन उसकी बजाय अगर वो जोर से नीचे मार दें तो बॉलर उसको यूं करके पकड़ ले, तो ऑफ कोर्स दिस इज इंटेंशनल। और उससे पहले जो मैं पहली वाली बात कर रहा था वो ये था कि जब जैसे मैच स्टार्ट होने से पहले, प्ले की आवाज आने से पहले, थोड़ा सा चंद सेकंड, एक आधा मिनट होता है समटाइम्स, तो सारे लोग पहुंच जाते हैं, एवरीथिंग इज रेडी टू गो, तो बॉलर अपने हाथ खोलने के लिए नए ब्रांड न्यू बॉल को अपने मिड ऑन या मिड ऑफ के फील्डर की तरफ अमूमन बाजू को जरा स्ट्रेच करने के लिए फेंकता है। तो वो भी वो बॉल आप हवा में फेंकेंगे, फुल टॉस उसके पास जाएगा, वो आप नीचे नहीं मार सकते। डॉक्टर साहब मैं ऐड करता चलो एक दो चीजें, जैसे स्क्वेयर की बात की, तो स्क्वेयर में बॉल विकेट लगने के बाद तेज आती है, इसलिए ज्यादातर कप्तान और फील्डर्स चाहते हैं कि वो बॉल टप्पे के साथ फेंके, ताकि जब कीपर के पास है जल्दी आए। और इतनी आर्म्स के अंदर भी अगर जान नहीं है, तो कोशिश करते हैं कि फ्लैट उस टप्पा जो साइड स्क्वेयर विकेट्स हैं जिन पे मैच नहीं हो रहा, वहां पे टप्पा गए और तेज आए, एक पहली चीज। और जैसे ही जैसी कंडीशंस बनती हैं, तो उनके इर्द गिर्द भी हम रूल्स हम उनको कैसे तोड़ना शुरू कर देते हैं। जब ये बॉल्स का रूल आया, तो प्लेयरों ने कोशिश की कि टप्पा मार के फेंकने की कोशिश करें, ताकि जल्दी बॉल खराब हो और जल्दी रिवर्स हो। और जहां तक आपने बात की कि वो एक अपने प्लेयर नीचे टप्पा नहीं करते मैच शुरू होने से पहले, हाथ में बॉल प्रैक्टिस कर सकते हैं, इवन कि कई दफा बॉलर भी चाहते हैं कि उनको बिल्कुल ही ब्रांड न्यू मिले, और जो पहले चार बॉलों में उनमें एयर में स्विंग मिलनी है या थ्रू द विकेट भी मिलनी है, तो बॉल जरा भी खराब ना हो। और वो इवन वसीम के दौर में भी वो अगर प्रैक्टिस करते थे, इन उस टाइम ये प्लेइंग कंडीशन नहीं थी कि आप नीचे टप्पा मार के प्रैक्टिस नहीं कर, इवन देन भी वो हाथ में देते थे, ताकि जो पहली पांच छह बॉलों का एक वो एडवांटेज है वो लें, क्योंकि कई दफा बॉलर को भी नहीं पता होता कि वो कहाँ फेंक रहा है और बॉल ने कहाँ जाना। जी बिल्कुल, आपकी बात को मैं ठीक है, आपके पास ब्रांड न्यू बॉल और चीज है, लेकिन जब फर्ज करें पहली चेंज पे एक बॉलर आता है, वो ऑलरेडी 10-12 ओवर यूज हुई हुई है, आपने उसकी एक साइड शाइन की हुई है, एक रफ करने की कोशिश कर रहे हैं आप, तो वो बॉलर भी आप फर्स्ट चेंज पे आ रहा है बॉलर या सेकंड चेंज पे आ रहा है, तो उसके लिए तो विज अ न्यू बॉलर डिलीबरेट नहीं कर सकते खोलने के लिए, ऐसा करता है डिलीबरेट, ये क्योंकि हम फील्ड में देखते हैं तो ये होता है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि वो मतलब इन दोनों चीजों को रिलेट मत करें दोनों चीजों में। अच्छा डॉक्टर साहब, इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट। अच्छा अब आपसे आखिरी सवाल करेंगे इसी बारे में, एक तो आमिर जमाल का ऑब्वियसली बिहेवियर हमने देख लिया, तो अब ये दिलों के भेद तो अल्लाह जानता है, तो अंपायर को किस तरह पता है कि यार किस नियत से जो है वो कहते हैं? अल्लाह के बाद दिलों के भेद अंपायर जानता है। सही 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 सही। एक तो वो मैच कंडीशन सामने होती है आपकी, चीज तो ये होती है कि आप अब जो हम आमिर का भी रिएक्शन देख रहे हैं, आमिर जमाल का, तो वो भी ऑब्वियसली उससे नजर आ रहा है कि आप सीरीज हार रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस नीचे जा रही है, आप बुरी तरह मैच भी हार रहे हैं, तो उस वो एक रिएक्शन ऑब्वियस है, तो वहां हमें नजर आता है कि यार यहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो ये रिएक्शन देने के लिए कर रहा है बंदा, तो यहाँ से थोड़ी बहुत इंटेंशन आपकी हो जाती है। और फिर जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी अंपायर, मुझे नहीं पता कि अब ये कितनी दफा हुआ ना, मोस्टली इवन जब मैं किसी एपिसोड में बता रहा था ना कि जैसे नो बॉल भी होने लगती है ना फुटबॉल, तो जब करीब पहुंचता है ना, तो जो अंपायर है ना वो स्लाइटली कह देते हैं उसको, भाई यू आर गेटिंग क्लोजर, तो मतलब ताकि उसको एक वो हेड्स अप हो जाए ना, ताकि वो ना करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मतलब वो उस अंपायर को बता रहा है कि भाई तुमने नो बॉल नहीं करनी, नहीं, इज नॉट लाइक दैट, क्योंकि वो बेसिकली गेम को मैनेज कर रहे होते हैं ना, गेम की खूबसूरती के साथ चल रहे होते हैं, वो पुलिसमैन नहीं होता, ठीक है। तो इस केस में भी मेरा ख्याल है कि अंपायर का फैसला दुरुस्त है, और मुझे जहां तक लगता है आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसा ही हुआ होगा कि अंपायर ने एक आध लाइट कोई ना कोई वार्निंग दी होगी कि भाई ये ना करो, और ये रिपीटेडली हुआ होगा जिसकी वजह से पेनल्टी कर दी है। अच्छा चले नाजीन, जो आई नो चाबी जो अंपायर हैं वो 50 से ज्यादा वैसे इंटरनेशनल कर चुके हैं, तो बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात से हम लोग मेरे ख्याल सारे एग्री करेंगे कि अंपायर इज द सोल जज,
और हमारे प्लेयर्स को जो है ना वो बिहेवियर, बॉल ट्रैपिंग का तो चलने स्टापा लग गया, लेकिन जो बिहेवियर है ऑन फील्ड स्पेशली ऑन एनी टूर्स एनी वे इट्स सेटिंग अ रॉन्ग एग्जाम्पल। और मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब मनीषा भाई कि इस टूर पे हमने सीनियर प्लेयर्स भेजे नहीं था, आपको लगता है कि, आखिरी सवाल है आप दोनों से, कि आपको लगता है कि इसकी वजह से थोड़ा सा हमारे जो प्लेयर्स थे उन्होंने जो आपे से बाहर हो गए सीनियर फील कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप? क्योंकि अगर यहाँ पे कोई सीनियर प्लेयर होता, इमाद वसीम हो गया या इवन सरफराज हो गया, कोई सीनियर बंदा टीम चला रहा होता तो ये इश्यूज ना आते, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मैं किसी हद तक आपकी इस बात से अग्री करता हूँ कि ठीक है सीनियर होते तो फर्क पड़ता है, थोड़े जूनियर्स जूनियर से कॉलर जरा नीचे रहते हैं। आमिर तो खुद बहुत ही जूनियर है, अभी अभी पीएसएल में थोड़ा सा उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया, फिर पाकिस्तान भी खेल गए, तो उनको इस चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए। और सीनियर होता तो यकीनन वो उसको कहीं ना कहीं रोक देता, क्योंकि ये लग ऐसा रहा है जो वीडियोज में कि ये एक इंसिडेंट नहीं है, अंपायर के साथ सेपरेट है, फील्डर के साथ सेपरेट है, LBW की अपील सेपरेट है और बॉल टैंपरिंग सेपरेट है, तीन चार इवेंट है, जिसका मतलब है कि वो काफी हाइपर पूरे मैच में ही हाइपर रहे शायद, तो उनको कूल डाउन करने की जरूरत थी। क्योंकि कैप्टन का काम है, मैनेजमेंट का भी काम है ऑफकोर्स, लेकिन उससे पहले से सब वो जो हम बार 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 बात कर रहे हैं, मैं आखिरी फिक्रा ये बोलूंगा कि इस सब के लिए पीछे से कहीं ग्रूमिंग की जरूरत है। ये इस मैच में यकदम आमिर ने बिहेवियर इख्तियार नहीं किया, उसके मिजाज का हिस्सा होगा, उसकी ग्रूमिंग की जरूरत है, उसकी तरबियत की जरूरत है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जरूरत है, मेंटोर्स की जरूरत है, पेरेंट्स को इस बात पे गौर करने की जरूरत है कि हम अपने बच्चों को अगर ग्राउंड में या स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूशन में भेज रहे हैं तो हाउ दे शुड बिहेव ओवर देयर। और थोड़ी सी एक बात मैं ऐड करता चलूं, मेरा ना ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जब सीरीज से पहले तय होते हैं उसमें स्टम्प माइक को आपने ऑन एयर करना है या नहीं करना, ये भी मेरा हल तय होता है। मनीषा भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, माइक ऑन है या नहीं है इससे क्या फिर डॉक्टर साहब डोमेस्टिक में अगर ऑन माइक ऑन एयर कर देंगे तो मेरा ख्याल है शायद ये फिर क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे इंटरनेशनल खेलने के लिए। वो बात खैर आपकी बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता है किसी हद तक, हीट ऑफ द मोमेंट भी हो सकती है, बट दिस बिहेवियर इज अनएक्सेप्टेबल बाय एनीवन, दैट्स द बॉटम लाइन। बिल्कुल सर, बिल्कुल कुछ भी चले चले नाजरीन, हम इसको अब अपनी तरफ से वाइंड अप इसी तरह करेंगे कि एक तो अंपायर इज द सोल जज और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो है वो बिहेवियर भी, मतलब जो इस तरह का बिहेवियर है ये बिल्कुल अलाउड नहीं होना चाहिए और इट्स नॉट आइडियल फॉर एनीबॉडी, क्योंकि आमिर जमाल खुद भी अभी रिलेटिवली यंग है, तो होपफुली PCB लुक्स इनटू इट और उनको पेनालाइज करें ना करें लेकिन उनकी ग्रूमिंग जरूर करें, क्योंकि इट्स नॉट लीविंग अ गुड इमेज ऑफ पाकिस्तान ऑन इंटरनेशनल स्टेज। ए टीम है, ए टीम में आपके डेवलपमेंट प्लेयर्स होते हैं, तो आई थिंक इट्स जस्ट अ रॉन्ग एग्जाम्पल सेट बाई आमिर जमाल। चले नाजीन अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मजीद एपिसोड के साथ हाजिर होंगे जल्दी। डॉक्टर साहब ने बैडमिंटन खेलने जाना है, डॉक्टर साहब अपनी शर्ट में रेडी हैं, तो डॉक्टर साहब अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।